और जिसका नाम है नहीं, ये है एबीसी, यानी के ऑल अबाउट कुकिंग। आप सोच रहे होंगे ऑल अबाउट कुकिंग क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मेरे पुराने शो को इतना पसंद किया, तो मैंने सोचा कुछ नया हो जाए। और मेरे पुराने शो को देखने के बाद कुछ मेरे ऐसे दर्शक थे जो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुए और पहली बार किचन में कदम रखा और कुछ बनाने की कोशिश की, और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें कुछ अच्छी रेसिपीज, सिंपल रेसिपीज सिखाऊं। तो मैंने सोचा एक नया शो हो जाए और उसका नाम ही मैंने रख दिया एबीसी, ऑल अबाउट कुकिंग। एबीसी क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम कुछ पढ़ना शुरू करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं एबीसी से, है ना? इसलिए जब हम किचन में पहली बार कुछ बनाने की शुरुआत करेंगे तो भी हम उसको बुलाएंगे एबीसी, यानी के ऑल अबाउट कुकिंग। अब एबीसी की बात हो रही है तो ए फॉर आलू, तो चलिए आलू से हम बनाते हैं हमारी आज की पहली रेसिपी। आलू यानी के सबका फेवरेट, वेजिटेरियंस हो या नॉन वेजिटेरियंस हो, वी ऑल लव आलू। तो चलिए हम बना रहे हैं मैश्ड आलू यानी के मैश पोटैटो। सबसे पहले हम लेते हैं आलू, ये है मेरी आलू की टोकरी, ये रहे आलू। अब हम आलू को अच्छे से पील कर लेंगे। परफेक्ट। अब हम आलू को काट लेंगे एकदम थिन स्लाइसेस में। अगर हम इसे पतला काटते हैं तो ये बॉईल अच्छे से हो जाते हैं, वरना आप चाहे तो आलू को काट कर प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज अ वेरी इजी मेथड। तो चलिए अब मेरे पास है ये पैन, इसमें हम डालेंगे हमारे आलू को। अब इस पैन में मैं डालूंगी पानी, थोड़ा सा नमक जस्ट फॉर टेस्ट, और अब गैस को ऑन कर लेते हैं। और अभी हमें इसे अच्छी तरह बॉईल करना है ताकि आलू एकदम कुक हो जाए और मैश करने में आसान हो। हमारे शो एबीसी में हम बनाएंगे सिंपल रेसिपीज। अब खाना सिंपल होता है इसका मतलब ये नहीं कि खाना टेस्टी नहीं होगा, हम बनाएंगे सिंपल सरल रेसिपीज लेकिन टेस्टी। ओके, आलू तो अच्छी तरह से उबल रहे हैं और पूरी तरह से पक गए हैं। देखिए एक फोक की मदद से आप टेस्ट कर सकते हैं इसे, यानी कि इसे लगे हैं 10 से 15 मिनट। तो देखा आपने, आलू को बॉईल करना है सो सिंपल। पानी, आलू को बारीक काटिए, पानी में डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए और उसे उबाल लीजिए। लेकिन याद रखिए, जब भी आपको बनाने हो मैश्ड आलू तो आपको आलू को गर्म ही रखना पड़ेगा, इसे ठंडा होना नहीं देना चाहिए हमें, क्योंकि अब हमें इसे मैश करना है। तो पहले हम आलू को स्ट्रेन कर लेंगे। ये स्ट्रेन्ड आलू है जो एकदम गर्म है। गर्म गर्म आलू को इस बोल के अंदर डालेंगे और अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये मैश हो रहे हैं क्योंकि अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। सुपर। मैं आलू को मैश कर रही हूँ इस मैशर की मदद से जो बाजार में इजीली अवेलेबल है। एक्सेलेंट। चलिए हमारे आलू को हमने मैश कर लिया है, अब हम मैश पोटैटोस तैयार करेंगे। उसके लिए हम लेंगे ये पैन, गैस को स्लो रखते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बटर अबाउट 2 क्यूब्स, इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये मेल्ट हो गया है, अब हम हमारे ये मैश पोटैटोस इसमें डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस जैसे कि नटमेग पाउडर यानी कि जायफल का पाउडर थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, और एंड में हम इसमें डालेंगे नमक। सुपर।
इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम, जो हमारे मैश पोटैटो को बनाएगा और टेस्टी और क्रीमी। तो चलिए फ्रिज से हम क्रीम निकाल लेते हैं। थोड़ी सी और, दैट विल बी ऑल। इससे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रखिएगा, गैस स्लो ही होनी चाहिए। अक्सर जब हम खाना बनाते हैं ना, तो हम कुकिंग के टेम्परेचर पर ध्यान नहीं देते, हम गैस फास्ट रख लेते हैं और सारी कुकिंग करते हैं और फिर खाना जल जाता है। इसलिए हमेशा गैस को स्लो रखिए। हमारे मैश पोटैटोस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसे हम थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं। जैसे ही ये ठंडा होने लगेगा, ये एक अपने आप शेप ले लेगा, सी, या फिर आप अपने स्पैचुला की मदद से एक अच्छा सा शेप इसे दे सकते हैं। और अब हम इसे यहाँ पर रखेंगे और इसकी प्लेटिंग तैयार कर लेंगे। खाना बनाने के साथ साथ उसकी प्लेटिंग यानी कि उसकी गार्निशिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो उस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एक लेटस के पत्तों का बेड बना लेंगे और फिर बहुत हल्के हाथ से ये मैश पोटैटो उसके ऊपर डाल देंगे और लेंगे एक पार्सले का स्प्रिग और उसके ऊपर हम उसे रख देंगे। और इसके साथ रेडी हो गई है हमारी सिंपल टू लुक, सिंपल टू कुक एंड टेस्टी टू टेस्ट, हमारी टेस्टी मैश पोटैटोस। तो देख लीजिए हमारी पहली रेसिपी का क्विक रिकैप। मैश्ड आलू बनाने के लिए हमें चाहिए सामग्री: 3 से 4 आलू, 2 से 3 क्यूब्स बटर, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जायफल पाउडर, 2 टेबलस्पून ताजी क्रीम, गार्निश के लिए लेटस के पत्ते, पार्सली। आलू मैश बनाने की विधि: आलू को पील करके पतले स्लाइसेस में काट लें। एक पैन में पानी गरम करने के लिए रख दें, उसमें कटे हुए आलू और नमक मिलाएं और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक उबालें। आलू पूरी तरह उबल जाने के बाद एक बोल में पानी ड्रेन कर लें और आलू को मैश कर लें। एक पैन में बटर गरम करें और इसमें मैश्ड आलू, जायफल पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च और नमक मिला लें। अब इस पर ताजी क्रीम मिला लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गार्निश करने के लिए लेटस के पत्ते और पार्सली का इस्तेमाल करें। और ये हो गया आपका मैश्ड आलू तैयार। खाना वही अच्छा लगता है जो बहुत सिंपल और सरल तरीके से बना हो, और उस खाने को हम बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।